हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज आपको शिमला मिर्च और प्याज का पराठा बनाना सिखा रही हूँ। ये थोड़ा मैंने आटा लिया है, इसमें नमक मिला रही हूँ और ये थोड़ा सा मैंने अजवाइन डाल दिया। अब ये मैं गरम मसाला मिला रही हूँ इसमें और थोड़ा सा रिफाइंड तेल डालूंगी इसमें, क्योंकि पराठे थोड़ा खसखस हो जाते हैं, अच्छे लगते हैं। अपने आइडिया से डालना आप जितने आपको बनाने हैं पराठे। ये मैंने इसमें रिफाइंड तेल डाल दिया है और पराठे तो सभी बनाते हैं, आलू उसके, मूली के। तो मैंने कहा चलो आज मैं आपको प्याज के और शिमला मिर्ची के बना रही हूँ। और ये देखो मैंने बना दिया है, आटा मिक्स करके रख दिया है। और ये अभी ये एक प्याज और शिमला मिर्ची है। मैं इसको जो कद्दूकस होता है जिसमें हम चिप्स भी बनाते हैं, ये देखो ये सबके पास होता है आजकल, तो हर किसी के घर में रहता है। इसको आप पतला पतला करके, क्योंकि चाकू से उतना बारीक तो हो नहीं पाएगा, तो इससे आप धीरे 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 करके इसको करें। ये पतले पतले पीस निकलेंगे इनके। ऐसे प्याज भी और इसको भी, शिमला मिर्ची को भी कस लें आप ये ऐसे करके। ये देखो मैंने सब इसको बना के रख दिया है। ये शिमला मिर्च, एक प्याज और एक मिर्च थी ये शिमला मिर्च, इसका इतना हो गया। अब इसको इसमें अब मैं ये मिला रही हूँ, नमक मिलाऊंगी अपने स्वादानुसार, जितना आपको नमक खाना उतना मिलाइए। और प्याज इसमें, ये मिर्च आप चटपटा खाएं तो मिर्च मिलाएं इसमें, नहीं तो उतना जरूरी नहीं है। मिर्च हल्का फुल्का होती है इसमें। और ये हल्दी डाल दी मैंने थोड़ा सा, और ये मिर्ची भी डाल रही, क्योंकि हम छोटे बच्चे हैं नहीं तो चटपटा खाएंगे करके, हमने मिर्ची भी डाल दी इसमें थोड़ा सा। और ये जीरा पाउडर है, ये देखो जो भी हम डेली यूज करते हैं मसाले, वो आप सब डाल सकते हो इसमें अपने स्वाद के हिसाब से। ये मैंने थोड़ा इसमें भी वो डाल दिया है, गरम मसाला है इसमें थोड़ा पड़ा है, तो मैंने ये भी डाल दिया। इसको सब मिक्स कर लो आप हाथ से, फिर ऐसे इसके बिल्कुल ऐसे ऐसे मिक्स कर लें कि जैसे इसमें नमक मिर्च सब इसमें मिक्स हो जाए। इसको तो आप कोई भी कच्चा भी खा लेते हैं, शिमला मिर्ची प्याज तो कच्चा भी खा लेते हैं, लेकिन आज पराठा बना के भी देखना कितना स्वाद लगता है। टेस्ट तो अपना अपना होता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, तो मैंने कहा आज यही बना के दिखाती हूँ। मैंने तो बना रही हूँ ये देखो, मुझे तो हमको तो अच्छे लगे। और ये दो लोई बना ली मैंने ऐसे, दोनों को ऐसे बेल के रखें। खाना तो सभी बनाते हैं और हर कुछ बनाते हैं, लेकिन यही होता है अपना अपना तरीका होता है बनाने का। तो मेरे को ये तरीका आता, तो मैंने कहा चलो मैं इसमें दिखा देती हूँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा तो बनाना, एक बार ट्राई करके देखना। पराठे तो मेथी आलू गोभी सब बनते हैं, सोचा तो कि चलो यही लगा इस बार, यही बना के दिखाती हूँ कैसा लगता है। हमने भी खाया, हमको तो अच्छे लगे। या अब इसके अंदर में सब ये जो भी बनाया है मैंने, इसको भर लूंगी ये। इसको आप ज्यादा भी ना भरें और ज्यादा कम भी मत ना भरें, क्योंकि फिर कुछ लगेगा नहीं उसका। और किनारे से बिल्कुल ऐसे दबा दें उसको, ताकि ये खुले ना, ऐसे बिल्कुल हाथ से, हल्के हाथों से दबा लें ऐसे। ये देखो मैं इसमें थोड़ा ये तवा भी रख दिया मैंने मीडियम, उसमें गर्म होता रहेगा। एकदम ज्यादा फुल करूंगी गर्म करने के चक्कर में, तो फिर पराठा भी जल जाएगा, पकेगा नहीं, इसलिए मैंने मीडियम गैस जलाई है और इसको आराम आराम से बेल रही हूँ। इसमें घी लगा रही हूँ, रिफाइंड से भी बना सकते हो आप, लेकिन घी है तो मैं घी यूज कर रही हूँ। घर में बनाया है घी मलाई से, तो चलो सही है खाने के लिए। रोज तो पराठे हम बनाते नहीं, कभी कभी बनाते हैं, इसको ऐसे बनाते रहें। और ये मत सोचना कि हमको खाना बनाना सिखा रही है, ऐसा वैसा ऐसा मत सोचना, लेकिन ये है कि अपना अपना तरीका होता है, मैं बता रही हूँ, तो आप लोग कोशिश कर लेना, तो देखना बना के कैसा होता है इसका स्वाद। और चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और एक उसमें घंटी का निशान आएगा उसे दबा लें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच जाए। और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, वो लाइक कर दें और शेयर कर दें।
कमेंट करें, जो भी कमी हो आप लोगों को कमी लगे तो कमेंट द्वारा मुझे बता दें, या मैं दूसरा इधर बना रही हूँ। और अभी इसे भी बेल रही हूँ, मैं दूसरा पराठा बेल रही हूँ, और साइड में दूसरे चूल्हे में मैंने सब्जी रखी है, अभी सब्जी भी बना रही हूँ। ऐसे सब्जी की जरूरत तो नहीं है, लेकिन यही है अब बना रही, तो मैंने कहा चलो फिर सब्जी भी खा लेंगे थोड़ा बहुत। कहीं पर मुझसे कोई बोलने में गलती हो उसके लिए सॉरी, वो माफ करना। और मैं तो अपने तरीके अपने हिसाब से सही से बोल रही हूँ, लेकिन हो जाता है बोलने में। ऐसे ऐसे दबाते रहें ऊपर से, ऐसे ये दबाते रहेंगे तो ये अपना हल्का हल्का पकते रहेगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें प्लीज, और चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब बटन दबा दें। और ये पराठे बन गए हैं, देखो अब मैं, ये देखो पराठे बन गए हैं। ये सब्जी थी, मैंने सब्जी भी रखी है, अब मैं इसको आपको तोड़ के दिखा रही हूँ ये कैसा हो रहा करके। ये देखो तोड़ने में भी अच्छा लग रहा है, और आप बना के देखें। और ये देखो, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।